मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं जो है पाची लगा लूँगा शाम में मेरा जो क्या क्या समस्या आ रही है आपके वेतन मिलने में। इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं, क्या आपके दरोगा ना तो दरोगा सुनवाई कर रहा मेरी, ना इंस्पेक्टर सुनवाई कर रहा है कि बोल दे, कह लगा जाओ हो जाएगा काम। नमस्कार, मेरा नाम एम एस गलोत, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ढींगे न्यूज़। तो आज एक सफाई कर्मचारी से मिले हैं जिसकी पीड़ा को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिनकी 5-6 महीने से तनख्वाह नहीं हुई है और वेतन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या इनकी जान को आई है, ये फांसी लगाने पर मजबूर हो गए, तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है जी, धर्मेंद्र सनोब बाले राम जी। कौन से वार्ड में ड्यूटी करते हो? 212 वार्ड में ड्यूटी करता हूँ और मेरा इंस्पेक्टर है बेदूराम और दरोगा है राजिंदर। और साहब मुझे 5वां महीना लग गया, मुझे सैलरी नहीं मिली और मेरे बच्चे परेशान हैं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं जो है पाची लगा लूँगा शाम में मेरा जो समाधान ना हुआ। तो क्या 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 समस्या आ रही है आपके वेतन मिलने में? इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं, क्या आपके दरोगा ना कह तो रहे? दरोगा सुनवाई कर रहा मेरी, ना इंस्पेक्टर सुनवाई कर रहा है कि बोल दे, कह लगा जाओ हो जाएगा काम, जाओ हो जाएगा काम, और काम में दिन रात कर रहा हूँ जी। तो आ जाता हूँ ड्यूटी पर, किराया भाड़ा लगाया जी, मैं पप्पू कॉलोनी रहता हूँ सीमापुरी के पास में, किराए पर मैं वैसे हूँ, 4000 रुपये मेरा किराया है और प्लस बिजली का बिल है जी। मकान मालिक ने ये कह दिया किराया भरो, नहीं मैं बर्तन फेंक दूँगा यहाँ से ठाके तेरे, बताओ मैं कहाँ जाऊँ बाबू जी, मेरे साथ साथ कन्या है जी, मैंने हाथ जोड़ लिए इंस्पेक्टर के सामने, दरोगे के सामने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, और रिश्ते बत्ती बताओ मैं क्या करूँ बाबू जी, मुझे बता दो मेरे, मैं मरूँ या फांसी लगाऊँ या जहर खाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? 1997 से लगा हुआ हूँ जी, मैं आज तक पक्का नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो दिल्ली सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, मेरी समस्या का समाधान करो या फिर मुझे अपने आप ही मार दो बाबू जी, मैं मरने के लिए बैठा हूँ जी, मेरी कन्याओं को बताओ मैं लेकर कहाँ जाऊँ, किराए पर हूँ मैं जी, गाँव का मेरा सब कुछ खो गया और यहाँ है, यहाँ मैं किराए पर हूँ जी, मैं कहाँ जाऊँ बताओ, क्या करूँ मैं, मरूँ जी हूँ क्या करूँ, मेरा समाधान करो, मैं दरखास्त कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है बाबू जी, मेरा कुछ समाधान करूँ डीसी साहब। तो जैसे बात की जाए, बहुत सारी यूनियन है जो काम कर रही है, जो सफाई कर्मचारी को हक दिला रही है, आप यूनियन से नहीं जाके मिले गई? मैं यूनियन से जाकर नहीं मिलने दिया जी इन्होंने, मैं बार बार कह रहा था मैं जा रहा हूँ, कह रहे मैं दुआ दूँगा सैलरी दिला दूँगा, आज दिला दूँगा, कल दुआ दूँगा, ऐसे करते करते शाम मुझे 4 महीने निकाल लिया उन्होंने, मेरा 5वां महीना चल गया जी। तो कैसे आप घर का, जैसे कि बात की जाए राशन पानी की और आपने किराए की भी समस्या बताई है, तो जब आप सुबह ड्यूटी पर जा रहे हैं तो आपके मैट आपके जो दरोगा होते हैं वो क्या कह रहे हैं वेतन को लेकर, जब आप उनसे कह रहे हो? वे तो कह रहे हैं कि तुम्हारे बायोमेट्रिक में गलती है साहब, जब मैं 26-27 साल तक नौकरी कर रहा, बायोमेट्रिक नंबर मेरा वही चल रहा, मैं तो अनपढ़ हूँ जी, मुझे तो पता नहीं साइन साइन करने जाऊँ जी मैं तो, अब बताओ बायोमेट्रिक नंबर भी इन्होंने ही गलती करा जी मेरा, मैं तो अपने आप खुद कर नहीं दिया बायोमेट्रिक गलती, अब 2-3 महीने तक इन्होंने बायोमेट्रिक नंबर गलत कर दिया जी मेरा, तो बताओ क्या करूँ जी। जो आपके इंस्पेक्टर है वो क्या कह रहे हैं? वो तो नू कह रहे हो जाएगा सही हो जाएगा, और दरोगा नू कहे तू डीसी का चले जा चाहे कमिश्नर का चले जा, हम नहीं कुछ कर सकते इसमें, नू कह रहे बस। अच्छा, ये मतलब आपको धमकी दी जा रही है कि आप डीसी का चल जाओ कमिश्नर के चल जाओ आपका कुछ नहीं होगा, इस तरह की धमकी दे रहे? यही कह रहे हैं, नू कह रहे तुम्हारे से ऑर्डर मांगे गए वो तुम्हें ऑर्डर दिखाने पड़ेंगे। क्यों आपके ऑर्डर नहीं है साहब? ऑर्डर तो है मेरे पास में पर अब पता नहीं वो कहाँ रखे कहाँ नहीं, बहुत दिन हो गए जी। तो जब आप एमसीडी में लगे होगे आपका रिकॉर्ड होगा, पूरा रिकॉर्ड होगा? सारा रिकॉर्ड है जी मेरे पास में, आपकी बैंक की भी सैलरी स्टेटमेंट भी होगी, वो सब होगी। स्टेटमेंट तो भी है जी मेरी 2004 से और अब तक की है जी मेरे पास में, और रिकॉर्ड भी है जी, सारा वेरीफाई हो रहा जी, मेरी फाइल वाइल सब कुछ है मेरे पास में, कागज देख सकते हो आप मेरे। तो फिर किसकी कमी रह रही है जो आपका वेतन नहीं आ पा रहा है? ये तो दरोगा की इंस्पेक्टर की कमी है जी, ये नहीं करना चाह रहे, पता नहीं क्या चाह रहे मेरे से, मुझे परेशान करके रख रखा है इन्होंने। तो आप कच्चे कर्मचारी हो या पक्के कर्मचारी? कच्चा कर्मचारी हूँ जी मैं, मेरे साथ साथ बिटियाँ हैं जी, बाबू जी बताओ मैं क्या करूँ, मुझे खाने का काम नहीं चला, मैंने 36,000 रुपये कर्जे पर उठाए, 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब था, मैं उन्हें पाड़ूँगा बच्चों को खिलाऊँगा क्या करूँगा हम, जब मेरी सैलरी नहीं आ रही कहाँ जाऊँ मैं। तो देख, जैसा आप देख रहे होगे एक कर्मचारी अपनी पीड़ा बता रहा है, तो आज
जो इनकी पीड़ा है बहुत ही दुख भरी इनके साथ में घटना हो जा रही है। ना इनका इंस्पेक्टर कोई भी इनकी सुनवाई कर रहा है, ना इनका दरोगा सुनवाई कर रहा है, 5-6 महीने से इनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात है, अभी तक भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है इनका वेतन मिलने का, कि इनका वेतन कब तक मिलेगा कब तक नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं अपने वेतन को लेने के चक्कर में, इधर उधर भी घूम रहे हैं इंस्पेक्टर भी, और इनका दरोगा भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो मैं दिल्ली सरकार से यही कहना चाहूँगा कि एक कर्मचारी की वेतन इनको मिलना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना काल आया तो सफाई कर्मचारी खड़ा रहा, इन्होंने दिन रात एक कर दी अपने काम को लेकर। तो दिल्ली सरकार से आप क्या कहना चाहते हो, क्या इन इंस्पेक्टर दरोगा से कहना चाहते हो? मेरी तो आज ही उड़ गई प्रार्थना है जी, सबसे मेरी समस्या का हल करा जा जी, मेरे भी बच्चे पढ़ जाएंगे आपके सारे सिर बाबू जी, मैं तो यही कह रहा हूँ जी। हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी सबसे ही, डीसी साहब से भी और संजय गहलोत जी से भी, क्योंकि अब जैसे कि बात की संजय गहलोत जी के, इतना दिल्ली के आयोग है, तो आप संजय गहलोत जी से भी मिले? नहीं साहब, मैं नहीं मिला वहाँ से, और मैं अपने भाई साहब को बहुत साहब को भी कहना चाहता हूँ जी, मैं भी बहुत ही हूँ जी, मैं तो इनसे भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ जी, मेरी हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है मेरी समस्या का हल करवाया जाए। जैसे कि दिन पर रात दिन वीडियो आती रहती है, पूरी यूनियन काम कर रही है एक सफाई कर्मचारी के हक को दिलाने के लिए, संजय गहलोत जी दिल्ली के आयोग है वो भी एक कर्मचारी को अपना हक दिला रहे हैं, लेकिन ये एक कर्मचारी है जिसकी पीड़ा सुनकर पूरा न्यूज चैनल पूरा देश सोच में डूब गया है कि 4-5 महीने से कर्मचारी का वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और ताकि ये वीडियो उन कर्मचारी उन डीसी तक पहुंच सके जो एक कर्मचारी का वेतन नहीं मिल पा रहा, आज ये फांसी लगाने की तगाद पर खड़े हैं। तो आप देखते रहे, कैमरामैन सोनू सूद के साथ MS ग्लोडिंग एन उज्जैन, जय भारत, वंदे मातरम।